हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली लजीज। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मिनी समोसा की रेसिपी, जिसे मैंने आटे से बनाया है। बिल्कुल भी इसमें मैदे का यूज़ नहीं किया है और आटे से भी ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। आप चाहें तो इसे साइज़ में बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे समोसे बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, जिसे मैंने काट कर भिगो दिया है, और इसका छिलका हम नहीं उतारेंगे, बस अच्छे से इसे वॉश करके पानी में भिगो देंगे 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे लिया है मैंने अदरक, और ये एक चम्मच धनिया पाउडर, और ये हमने साबुत धनिया भी लिया है, और एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, एक आधा छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर लिया है, और यहाँ पर मैंने लिया है रेड चिली पाउडर जो एक चम्मच है, एक छोटा चम्मच, और दो पिंच हींग ली है, और यहाँ पे मैंने लिया है चाट मसाला जो एक चम्मच है, और धनिया और मिर्च कटी हुई। सबसे पहले हमें करना है जो ये साबुत धनिया है, इसे हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, बस बहुत ही 10 सेकंड के लिए रोस्ट करना है लो फ्लेम पे, और जैसे इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे हम इसे निकाल लेंगे और क्रश कर लेंगे। अब यहाँ पर कढ़ाई में हमें गर्म करना है तेल, एक चम्मच तेल लिया है, और एक छोटा चम्मच जीरा, और दो चुटकी यहाँ पे हींग डाली है, और आधा धनिया जो है साबुत इसमें ऐड कर देंगे, आधा बचा लेंगे, और ये कद्दूकस की हुई अदरक डाल देंगे, और मिर्च और धनिया। इसे हमें बस कुछ ही सेकंड के लिए रोस्ट करना है, बस एक मिनट के लिए करें, और गैस की फ्लेम को लो रखें। अब देखिए बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुका है, और अब इसमें ऐड कर देंगे ये हरी मटर, ये दो बड़े चम्मच हमने हरी मटर का यूज़ किया है। आप चाहें तो ज़्यादा लें, पर ज़्यादा हरी मटर डाल देने से समोसे फूट भी सकते हैं। और अभी हम ऐड कर देंगे सारे मसाले, बस इन्हें भी लो फ्लेम पर बस कुछ ही सेकेंड के लिए भूनना है, और इसके बाद हम ऐड कर देंगे ये आलू कटे हुए, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। नमक आप कम से कम, बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी ना डालें, क्योंकि आटे में भी हमने नमक लिया है, तो आप ज़रा कम ही नमक डालें। और अब हमें इसे ढक देना है 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। आलू को पकने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, और अब आप देख सकते हैं, अब हम बचा हुआ धनिया जो क्रश किया था उसमें ऐड कर देंगे, और एक बड़ा चम्मच डाला है हमने यहाँ पे आमचूर का पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और समोसे में तो ये आमचूर पड़ता ही है, तो इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसे अच्छे से मिक्स करें, और ये बिल्कुल तैयार है, ये फिलिंग हमारी एकदम तैयार हो चुकी है। अब इसे ठंडा कर लेंगे, और अब हम तैयार कर लेंगे ये आटा। यहाँ पर मैंने 1 कप रवा लिया है, और दो कप हमने लिया है गेहूं का आटा, और अब हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और नमक 1 छोटा चम्मच, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी घी का और डालडे का यूज़ नहीं किया है, रिफाइंड का यूज़ किया है, इससे जो होता है क्रिस्पी बनता है समोसा, तो आप रिफाइंड का यूज़ करें मोवन के लिए। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच रिफाइंड डाला है, बस इतना डालें कि इस तरह से ये आटा बन जाए, और अब इसे हम टाइट, एकदम अच्छे से हमने इसे टाइट गूंथ लिया। आप देखें बिल्कुल टाइट है ये आटा। अब इसे 15 मिनट के लिए रख दें, और अब हम तैयार कर लेंगे छोटे छोटे से मिनी समोसे। ये एक छोटी सी बॉल हमें बना लेनी है, अपनी हथेली पे इस तरह से लेकर, हम इसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे, ना ही आटा सूखा ना ही तेल, हम इसे बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं। बाकी का आटा हटा दें भी, और एक इतनी बड़ी बड़ी छोटे छोटे बॉल्स बना करके हम इसका 2 समोसे इसके तैयार करेंगे। हम अपनी हथेलियों से इसे इस तरह से गोल करें, जितना आटा हम पूड़ी के लिए लेते हैं बस उतना ही आटा हमें लेना है, और अब इसे हमें बेलना है, बहुत ज़्यादा इसको हमें पतला नहीं बेलना है, और ना ज़्यादा मोटा।
बस पूरी के जैसा इसको बेल लेना है बिल्कुल इसी तरह से। और अब इसे हम बीच से इसे कट कर लेंगे बस इसी तरह से। और अब हम छोटे छोटे समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पानी का यूज़ किया है इसके किनारों को अच्छे से जोड़ने के लिए, जिससे हमारे जो समोसे हैं ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। तो इसे हम इस तरह से पानी लगा देंगे इसके साइड्स पे। और अब इसका हम एक कोन तैयार कर लेंगे, बिल्कुल जिस तरह समोसे बनाए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और इसे हम बीच से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करेंगे जिससे अच्छे से चिपक जाएगा इस पर। और अब हम इसमें भरेंगे थोड़ी सी फिलिंग, बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं भरें वरना समोसे खुल भी सकते हैं। और वैसे भी ये मिनी समोसा है तो ये छोटे छोटे बनेंगे, आप चाहें तो बड़ा समोसा भी बना सकते हैं। बस इसे हल्का हल्का सा प्रेस करके एडजस्ट करें। और अब हमें इस तरह से यहाँ से दबाना है इसको और बीच से इसे इसी तरह से चिपका के फिर दोनों साइड से मोड़ देना है। और अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देखें। इसी तरह से हम सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। इनको बिल्कुल भी खुले में ना रखें, किसी पेपर या किसी कपड़े में बनाकर रखें वरना ये हवा में सूख जाएंगे। तो बस इसी तरह से सारे समोसे हम कोन बनाकर और पानी उसकी साइड्स पर लगाकर इस तरह से फोल्ड करके थोड़ी थोड़ी फिलिंग करेंगे इसमें। और अब सारे समोसे हमें बिल्कुल इसी तरह से बना लेने हैं। ज़रूरी नहीं आप मैदे का समोसा बनाएं, आटे का समोसा बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता है और अच्छा भी होता है, तो आप बनाकर आराम से इंजॉय कर सकते हैं। जिसे भी मैदे का नहीं अगर खाना है तो आप आटे के समोसे भी बना सकते हैं, इसका अपना अलग ही टेस्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह से सारे समोसे बनाकर तैयार कर लें। और अब हम ये समोसे लो फ्लेम पे तलेंगे, बिल्कुल फ्लेम को आपको तेज नहीं करना है वरना ये जल जाएंगे और अच्छे भी नहीं लगेंगे। जब आप इसे धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक तलेंगे तो इसका जो टेस्ट है ना वो एकदम बढ़िया आएगा और समोसा अच्छे से पक जाएगा। बस धीमी धीमी आंच पे मीडियम से लो फ्लेम पर ही आपको इसे तल लेना है। और ये छोटे छोटे से समोसे देखने में तो अच्छे हैं ही और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी हैं, अभी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये थी मेरे मिनी समोसे की रेसिपी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।